हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राइट इन्फॉर्मर चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फोन खरीदने का बेस्ट तरीका। आपको दो ऐसे सेक्रेट तरीका बताऊंगा जिसे कि आप कभी भी दुकान पे जाते हैं फोन खरीदने के लिए तो आपको यही तरीका अप्लाई करना है। और अगर आपने ये तरीका अप्लाई करके फोन खरीदा तो फिर आपका फोन बिल्कुल कभी भी आपके लिए एक बेस्ट फोन मिलेगा। चाहे आप किस भी कंपनी का, जो भी आपका पसंद हो, आप फोन खरीदिए, बिल्कुल आप सारी चीजें देखिए, उसका कॉन्फ़िगरेशन देखिए, लेकिन ये चीज जरूर से आप कीजिएगा, तभी आपके पास एक अच्छा फोन आएगा। चाहे जो भी कंपनी हो, चाहे जो भी उसका कॉन्फ़िगरेशन हो, चाहे उसका प्रोसेसर या सारी चीजें, आप जो भी देखना होगा देख लीजिएगा, लेकिन ये दो चीज आपको जरूर दुकान के ऊपर, नया फोन के ऊपर अप्लाई करना है। और अप्लाई करके फिर देखना है, फिर आप अपने लिए एक बेहतर फोन खरीद पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि जिस फोन का कॉस्ट ज्यादा है वो फोन बेहतर होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। आपको एक अच्छा फोन खरीदने के लिए आपको टेक्निकली बहुत सारी चीजें जाननी पड़ती है, जैसे कि उसका एक बैटरी, बैटरी एक हार्ट होता है, दिल होता है फोन का, ठीक है। तो सिंपल सा आपको दो तरीका बताने वाले हैं, ज्यादा वीडियो में कुछ और नहीं बताएंगे, इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप जो भी फोन खरीदने वाले हैं उस फोन को ऑन कीजिएगा, और ऑन करने के बाद उसके सेटिंग के अंदर जाइएगा। जो भी आप नया फोन खरीद रहे होंगे उसके सेटिंग के अंदर जाइएगा, और सेटिंग के अंदर जाने के बाद से पहले आपको क्या करना है, ये जो बैटरी का सेक्शन आपको मिलेगा यहाँ पे, मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए, ये बैटरी का सेक्शन है, ठीक है। इस बैटरी के सेक्शन में जा करके जैसे यहाँ पे किया हुआ है परसेंटेज, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये वाले ऑप्शन पहले, सबसे पहले बैटरी परसेंटेज को ऑन कर देना है, ठीक है। बैटरी परसेंटेज को जब ऑन कर देंगे उसके बाद से क्या होगा कि यहाँ पे आपको परसेंटेज दिखाई देगा कि कितना परसेंट इसके अंदर बैटरी है, ठीक है। ये काम करने के बाद अब आपको करना क्या है, सिंपली वो फोन को आपको क्या करना है, रीस्टार्ट करना है, सिंपल रीस्टार्ट। तो देखिए, मैं आपके सामने यहाँ पे लाइव रीस्टार्ट करता हूँ अपने फोन को, ठीक है। और आपने देख लिया है यहाँ पे परसेंटेज कितना है बैटरी का, आप देख चुके हैं 70% है, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है, 70% है। अब मैं इस फोन को करता हूँ रीस्टार्ट आपके सामने, ठीक है। अब क्या देखना है यहाँ पे, यहाँ पे देखना ये है कि ये फोन को जब आप रीस्टार्ट करेंगे तो फोन कितना समय लेता है इसको रीस्टार्ट करके ऑन होने में, ठीक है। तो ये चीज आपको घड़ी पे देखते रहना है, कहीं पे भी जैसे आपने रीस्टार्ट किया तो आप अपने घड़ी में कहीं पे भी देखिएगा कि ये फोन कितना फास्ट ऑन होता है। जो फोन जितना जल्दी से ऑन होगा वो फोन समझिए कि उतना ही अच्छा है आपके लिए, ठीक है। अब होता क्या है कि मार्केट में इतने सारे डुप्लीकेट, जैसे स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर के नाम पे फोन के अंदर दिखाई देगा आपको कॉन्फ़िगरेशन में कि स्नैपड्रैगन का इसके अंदर प्रोसेसर है, और कॉन्फ़िगरेशन बहुत तगड़ा आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो आप तो वो जो लिखा हुआ रहता है कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आ जाते हैं और फोन को तुरंत खरीद लेते हैं कि चलो इसका कॉन्फ़िगरेशन बहुत तगड़ा है, बहुत अच्छा है, इसके अंदर प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का है, सारी चीजें आप देख लेते हैं और देखने के बाद आप खरीद लेते हैं, लेकिन आपका फोन सचमुच अच्छा नहीं निकलता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये फोन जितना भी समय लिया ऑन होने में, ठीक है, आपको बस इसको नोट कर लेना है कि कितना समय में ऑन हुआ। और दूसरी चीज, यहां पे क्या हमारा परसेंटेज जो है बैटरी का डाउन हुआ, यहां पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 69 हो गया, ठीक है। तो इससे आप देख लीजिए, एकदम बिल्कुल मैं आपको जूम कर देता हूं कि आप परसेंटेज देख लीजिए, अभी 69 हो गया, ठीक है। तो इससे क्या पता चला, ये चूंकि पुराना फोन हो चुका है, इसका परफॉर्मेंस पता चला, ठीक है, कि इसकी परफॉर्मेंस जो है अब डिग्रेड हो चुकी है, चूंकि ये 2 साल पुराना फोन हो चुका है मेरे दोस्त, ठीक है, तो इसलिए इसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो चुकी है, ठीक है। तो इससे पता चलेगा कि आपका बैटरी का कैसा परफॉर्मेंस है और आपका फोन का कैसा परफॉर्मेंस है, ठीक है। आपका फोन का परफॉर्मेंस आपके जितना जल्दी फास्ट ऑन होगा वो फोन उतना ही तगड़ा होगा, ठीक है,
उतना ही अच्छा होगा, आपको वही फोन को पिक करना चाहिए। जैसे कि आपने दो फोन पसंद किया और दोनों फोन को आपने एक साथ ऑन किया, ठीक है, रीस्टार्ट कर दिया, और जो फोन जल्दी से ऑन हो जाएगा वो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। और अगर आपका यहाँ पे परसेंटेज डाउन नहीं हुआ बैटरी का, 1% भी कम नहीं हुआ, इसका मतलब है कि आपकी बैटरी का अच्छा परफॉर्मेंस है। लेकिन अगर यहाँ पे डाउन हो गया 1 भी पॉइंट, ठीक है, तो आपकी बैटरी भी सही नहीं है, बहुत जल्दी आपकी बैटरी भी चले जाने वाली है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बस टेक्निकली चेक करना है, और कभी भी दुकान के ऊपर जाएं तो इसको चेक करके, और कोई भी नया फोन खरीदे तो खरीदिए। अगर आप इस दोनों तरीके से इस्तेमाल करके अगर फोन खरीदेंगे और आप देखेंगे कि आपका फोन बहुत दिन तक अच्छे से चलेगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा, और आप अपने लिए एक बेहतर फोन खरीदेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको कुछ नया सीखने को मिला है। तो इस वीडियो के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप अपने सवाल को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे राइट इन्फॉर्मर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत कर लीजिए, इसलिए कि अगर आपके फोन के अंदर कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आएगा तो हमारे राइट इन्फॉर्मर चैनल पे उसका सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।